नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण, और संस्कृत व्याकरण का जो महत्वपूर्ण भाग है वो प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में मैंने काफी सारा आपको जो वीडियो है वो आपके सामने लेके आया हूँ, लेकिन आज हम मतु प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। मतु प्रत्यय क्या होता है, इसका मतलब है इसका है, वह है, इसका है, अथवा वाला, अथवा इससे। इन अर्थों में मतु प्रत्यय होता है, यानी वह इसका है अथवा वाला अथवा इसमें। इन अर्थों में मतु प्रत्यय होता है, इसका मत भाग शेष रहता है, इसका अंत में क्या शेष रहता है, मत। यानी ये होता है, देखो पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में मति और नपुंसक लिंग में मत शेष रहता है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर वान, वती और वत भी शेष रहता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, मान, मति, मत, वान, वती और वत, इन चीजों पर मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम इनके देखिए, जैसे प्रकृति धन है, शब्द क्या है अपना, धन है। धन के साथ में मतु प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में क्या बनता है, पुल्लिंग में बनता है धनवान। पुल्लिंग में क्या बना, धनवान। स्त्रीलिंग में धनवती और नपुंसक लिंग में बन जाएगा धनवत। नपुंसक लिंग में बन जाएगा धनवत। धनवान, धनवती और धनवत, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे गुण के साथ में मतुप लगाएं तो सीधा सा है, गुणवान बन जाएगा। यहाँ पर स्त्रीलिंग में गुणवती बन जाएगा और नपुंसक लिंग में बन जाएगा गुणवत्। नपुंसक लिंग में बन जाएगा गुणवत्। ये चीजें इन पर आप गौर कीजिए, ये आपको दिखे। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे मति आ गया, श्रीमती आ गया, तो ये स्त्रीलिंग का या पुल्लिंग का, श्रीमत आ गया तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। श्रीमान आ गया, श्रीमत आ गया, श्रीमत आ गया, इसका मतलब नपुंसक लिंग का है। ये जो चीजें गौर करने लायक है इनको आप ध्यान में रखें। ज्ञान के साथ में मतुम लगाएंगे तो ये हो जाएगा ज्ञानवान। स्त्रीलिंग में ज्ञानवती, स्त्रीलिंग में बन जाएगा ज्ञानवती और नपुंसक लिंग में बन जाएगा ज्ञानवत। नपुंसक लिंग में हो जाएगा ज्ञानवत, ठीक है। श्री के साथ में मतुप लगाते हैं तो ऊपर वाला ये है ना, ये देखिए यहां पे श्री के साथ में तो हो जाएगा ये श्रीमान। क्या बन जाएगा, श्रीमान। और ये हो जाएगा श्रीमती, महिला को जो संबोधित करता है। इसमें बड़ी मात्रा आएगी, ई हो या आई हो, कोई भी हो, इसमें बड़ी मात्रा ये आएगी। ई की मात्रा हमेशा यहां पर बड़ी आती है, जैसे वधु हुआ ऊ की मात्रा बड़ी आ गई, बहु हुआ ऊ की मात्रा बड़ी आ गई। दस इसी प्रकार श्रीमती हो गई, ज्ञानवती, गुणवती, धनवती, स्त्री लिंग को जो संबोधित करता है उसमें ई की मात्रा हमेशा ही बड़ी आएगी, आपको ध्यान में रखना है। श्रीमती हो गया और नपुंसक लिंग हो गया श्रीमत, नपुंसक लिंग हो गया श्रीमत। इसी प्रकार से फल के साथ में लगाते हैं तो फलवान, फलवती और नपुंसक लिंग हो जाएगा फलवत। नपुंसक लिंग हो जाएगा फलवत, ठीक है। अब आयुष के साथ में अगर लगाए हैं मतु प्रत्यय तो आयुष्मान हो जाएगा, आयुष्मान। आयुष, आयुष्मति, आयुष मत, ये हो जाएगा आयुष मत। धी है, शब्द क्या है, धी। धी के साथ में अगर हम पुल्लिंग में देखेंगे तो क्या बनेगा, धी के साथ में अगर हम पुल्लिंग में देखते हैं तो क्या शब्द बनेगा, धीमान,
और ये हो जाएगा धीमत, धीमान धीमति और धीमत हो जाएगा। जैसे इसी प्रकार से मति के साथ में लगाते हैं तो मतिमान मति मति और मति मत हो जाता। अब रूप है, रूप के साथ में लगाएंगे तो रूपवान, रूपवती और रूपवत हो जाएगा, रूपवत हो जाएगा। स्नेह के साथ में लगाएंगे तो स्नेहवान, स्नेहवत, स्नेहवती, स्नेहवती और स्नेहवत हो जाएगा, स्नेहवान, स्नेहवती और स्नेहवत हो जाएगा। तो इसमें आपको ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है, मान मती और मत, वान वती और वत, इन चीजों को ध्यान में रखना। अगला प्रत्यय अपना इन है, इन और ठन दोनों साथ में किए हैं। अब इन्हीं के अंत में इन शेष रहता है, इन्हीं प्रत्यय है इसके, इन या इन्नी कहते हैं इसको, तो इन के अंत में इन शेष रहता है और ठन प्रत्यय के अंत में इक शेष रहता है। इसके नियम काफी सारे हैं लेकिन इन प्रत्ययों में आपको थोड़ा थोड़ा अगर शब्दों का ध्यान है, ध्यान रहेगा तो आप इसको आराम से इसके कर सकते हैं, ज्यादा शब्द इसके परीक्षा में आते नहीं है। अब देखिए धन है, धन के साथ में इन्हीं प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, इन शेष रहता है ना, धनिन, क्या बनेगा इसमें, धनिन। और जो शब्द बनेगा वो बनेगा धनी, प्रत्यंत क्या बनेगा, प्रत्यय इन्हीं प्रत्यय लगाते ही धनिन हो जाएगा और पुल्लिंग में क्या बनेगा इसका, धनी। अब ठन लगाते हैं तो ठन में क्या होता है, धनिक होता है, क्या होता है, धनिक, और जो प्रत्यय जो पुल्लिंग में बनेगा वो धनिक है, शब्द क्या बनेगा, धनिक है, धनिक यानी धनिक है। अब दंड के साथ में इन्हीं प्रत्यय लगाते हैं, दंड के साथ में दंडिन और यहां पर बन जाएगा दंडी, क्या बनेगा, दंडी, यानी इन्हीं लगाते हैं तो इन शेष रहता है ना, इन शेष रहता है तो यहां पर बन जाएगा दंडिन और यहां बन जाएगा दंडी। अब दंड के साथ में ठन लगाते हैं तो इसमें एक शेष रहता है, मुख्य चीज इसकी यह है कि एक शेष रहता है तो बन जाएगा देखो दंडिक या दंडिक, शब्द क्या बन जाएगा, दंडिक है। इसी प्रकार से बल है, बल के साथ में इन लगाएंगे तो बलिन और यहां हो जाएगा बली, क्या बन जाएगा, बली, बल के साथ में इन लगाएंगे तो बलिन यानी पुलिंग में क्या बनेगा, बली। अब माला है, माला के साथ में इन लगाएंगे तो मालिन और पुलिंग में बन जाएगा माली, पुलिंग में शब्द बन जाएगा माली, मालिन यानी माली। ज्ञान के साथ में लगाएंगे तो ज्ञानिन और पुलिंग में शब्द बन जाएगा ज्ञानी। क्योंकि ये चीजें हैं कि इसमें इन शेष रहता है और जो ठन होता है, ठन प्रत्यय में एक शेष रहता है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ज्ञानी है तो इसमें इन हो गया ज्ञानी, पुलिंग में शब्द बन गया ज्ञानी। अब दुख है, दुख के साथ में लगाएंगे दुखिन और शब्द इसका बनेगा दुखी, दुखिन और दुखी हो गया। वर्ण के साथ में लगाएंगे तो वर्णिन और शब्द बनेगा वर्णी, ठीक है। अब वर्ण के साथ में ठन प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है, वर्णिक और यहां बन जाएगा वर्णिक है, वर्णिक और वर्णिक है बन जाएगा, ओके। अब योग है, योग के साथ में ठन लगाते हैं योगिक और इसमें शब्द बनेगा योगिक है, यहां विसर्ग आ जाएगा। पुल्लिंग में जो शब्द बनते हैं ठन प्रत्यय के उसमें विसर्ग आता है आगे। अब नौ है, नौ के साथ में ये प्रत्यय लगाते हैं, ठन लगाते हैं तो क्या बनेगा, नाविक और
इसमें बन जाएगा नाविकय। तो इनका बार बार आपको अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करोगे तो ये आपके समझ आ जाएंगे। फिर आप संस्कृत एक ऐसी चीज है जो आप अभ्यास करोगे तो आपकी एकदम से क्लियर हो जाएगी, फिर आप भूलोगे नहीं कभी भी। और कोई भी परीक्षा हो आप इसको इस वीडियो को देखिए, इससे अलग आपको इसमें से अलग नहीं आएगा। दसवीं क्लास हो, बारहवीं क्लास हो, डीट हो, सेकंड ग्रेड हो, कोई भी परीक्षा हो इसमें से आएगा। आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए, जब परीक्षा है तब आपको देखते रहिए। धन्यवाद।